हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे सब लोग। सो हम लोग फिर दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं एक और नए एक्सपीरियंस के साथ, एक और नई चीज के साथ, एक और नए प्रोडक्ट के साथ। प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही बना रहे हैं तो जैसे कि आप जानते ही हैं, विश्वास चौधरी द ग्रेट और एंड दिस इज विनोद चौधरी द ग्रेट। ठीक है, ये है विश्वास चौधरी यूट्यूबर, साइंटिफिक यूट्यूबर और ये है एचसीएसएन अपने इनसाइड सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, आपको अपनी क्या कहेंगे उसको, अपना इंट्रोडक्शन कुछ दे दो। वेब डिजाइन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज हो, तो ही इज एन एक्सपर्ट देयर। तो आप उनसे है ना अपना डिस्कस कर सकते हैं। 15-16 साल इस फील्ड में है, हो गए हैं। हाँ, 15-16 साल एक्सपीरियंस है और एक्सपर्ट है ये। इनको है ना बाहर से कमेंट भी मिलते हैं, मोस्ट कन्विंसिंग टॉकर एंड काफी कुछ मिलता है इन्हें बाहर से। और मेरा भी 6 साल का साइंटिफिक एक्सपीरियंस है। अभी मैं ग्रेड 8 में हूँ और ग्रेड 3 से स्टार्ट किया था मैंने अपना चैनल। हाँ। और अभी आप प्लीज देख लीजिएगा। और आपके बच्चों मतलब कोई मतलब स्टडी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप है ना इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर के जा सकते हैं। और अगर चैनल पे बाय चांस ना मिले कमेंट डाल दो, बना दो। अब इस टॉपिक पे आते हैं आज के प्रोडक्ट पे आते हैं कि आज का वीडियो किस किसके लिए है। आज का वीडियो है पतंजलि एलोवेरा फेस जेल। हाँ, पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा आपको, बैक कैमरे से दिखाएंगे। तो आज का वीडियो है इसके ऊपर। हमारी एक ट्यूब खाली हो चुकी है और एक ट्यूब अभी एडवांस में रखा हुआ है हमारे पास। तो इसका आज हम अपना रिव्यू देते हैं। और ये प्रोडक्ट मैं अकेले ही नहीं, हम तीनों यूज करते हैं, इसीलिए आज हम तीनों ही आए हैं। मैं कहाँ यूज करता हूँ अभी भी फेस वॉशर कहेंगे बस अभी तो बोलने तीनों, एक्चुअली हम तीनों इससे अभी भी फेस वॉश करके आए हैं। हाँ, बोलने पे क्या है, अदरवाइज मैं तो यूज नहीं करता। लेकिन कभी कर नहीं, जब करते हैं तो अच्छा अच्छा होता है। आप देख सकते हो फेस एकदम क्लियर है, देख सकते हो। इवन ये भी यूज करता है, ये भी यूज करता है। मेरी नाक पे बहुत सारे क्या कहेंगे हॉर्न्स निकल जाते थे, तो उनको ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसे ना पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे लगता है दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, गर्ल्स ब्यूटी प्रोडक्ट। नहीं, एक तरह से ये कहते हैं कि फेमिनाइज्ड प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब बड़े से लेके बच्चे तक कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। हम लोगों का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस करीब अभी का नहीं है, करीब हमें 3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। 3 साल हो गए ना? हाँ, 3 साल। हाँ, तो हम लोग तब से यूज़ कर रहे हैं इसको। मैं इसको बालों में भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक बार गलती से मैंने चेहरा धोने के चक्कर में नहाते वक्त इसको बालों में भी लगा लिया था। लेकिन बालों में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, इससे कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं मिला है अभी तक हमें। तो हमें लगा कि आपके साथ में हमें इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोग भी उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो इसका मैंने स्पेशली स्टार्टिंग जो मैंने की थी यूज़ करने की, वो मेरे जो एक्ने हो जाते थे, पिंपल्स आते थे, उसकी वजह से यूज़ करना शुरू किया। लेकिन हाँ दोस्तों, पिंपल की मेरे जाने का अलग रीज़न था। मैंने हेम पुष्पा यूज़ किया, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जा मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। पहले तो मेरे उससे गए हैं, इससे जो जाता है वो हल्के फुल्के आपके एक दो कभी हो गया, एक दो होता रहता है नॉर्मली, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि हमारी ऑयली स्किन है, इनकी भी ऑयली स्किन है, मेरी स्किन है, तो इसकी वजह से इसकी भी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन में हल्के फुल्के जो एक दाने दाने होते रहते हैं, पिंपल्स निकलते रहते हैं, तो नीम फेस वॉश मैंने यूज़ किया है हिमालय का, तो उसके कंपैरिजन में मुझे ये बेस्ट लगा है। आपको रातों रात आपको इफ़ेक्ट देता है, आप 2-3 बार इससे फेस वॉश करेंगे तो वो इफ़ेक्ट दिखाता है। हिमालय का जो आता है नीम फेस वॉश, वो आपको वॉश करने के बाद एक ड्राइनेस फील कराता है।
अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर उसको यूज़ करते हो तो स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। इवन मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन होने के बावजूद भी वो ड्राइनेस फील करवाता है और पिंपल कभी जाते नहीं, उसे ठीक नहीं होते। वो एड में तो यही बोलते हैं कि भाई पिंपल हटाना है तो नहीं, उसमें नीम वॉश है ना और फेस एकदम ड्राई हो जाता है, पापड़ जैसा हो जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये ना उसके हिमालय का शैम्पू आया था, उसके साथ में उसका हिमालय का नीम सोप भी आया था, तो उसका यूज इसने कर लिया फेस पे, यहाँ पे इतना ड्राई हो गया, अभी तक हल्का सा ऐसा खुरदरा खुरदरा सा लग रहा है, जबरदस्त रेडनेस आ गई थी इसकी भयंकर वाला। तो मुझे इसने बताया नहीं कि है ना मैंने उससे वो, क्योंकि ये इसको नॉर्मली काफ़ी सेंसिटिव स्किन है इसकी, तो इसको डव या पियर्स यूज करवाते हैं इसको, लेकिन उसने उसको खुशबू के चक्कर में उसको यूज कर लिया, तो बहुत अच्छी आ रही थी। एक वॉश के बाद में इसका चेहरा पूरा रेड हो गया था, जबरदस्त वाला रेड हो गया था, यहाँ तक रेडनेस पूरी आ गई थी यहाँ से। मुझे लगा कि इसने कुछ गड़बड़ तो की है, क्या किया है। मैंने इससे पूछा था कि वो वाला सोप यूज किया है क्या, नीम वाला, कि हाँ खुशबू की वजह से मैंने यूज कर लिया। तो एक बार ही नहाया था, उसको बहुत बुरा हाल हो गया था चेहरे का, तो इससे उसका इसके दो बार धोने से इसका ठीक हो गया। दो दिन यूज किया टोटल, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले ठीक हो गया। अभी हल्का हल्का है थोड़ा सा, मैं यूज कर रहा हूँ अभी इसको, बट मोस्ट ऑफ पूरा का पूरा खत्म हो गया दो दिन में मोस्ट ऑफ। तो इससे हिमालय का जो फेस वॉश आते हैं, जो सोप आते हैं नीम वाले, उसमें इतना इफेक्टिवनेस नहीं है जितनी कि इसके अंदर है। किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम है पिंपल्स की, एक्ने की, वो इससे नहीं जाएगी, पहले मैं क्लियर कर दूँ, वो इससे नहीं जाएगी, आपको इंटरनली उन चीज़ों को यूज़ करना होगा। मेरी जो गई है, मेरे इतनी ज़बरदस्त थी कि एक ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता था, पूरा चेहरा भरा हुआ था, पूरे में दाग 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 दाग। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। दाग 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 मैं तो मैंने देखे नहीं। वो एक उसने भी दिया था आयुर्वेद वाले डॉक्टर ने, तो पूरी जो क्रीम लेकर के आए थे, हमें क्रीम लानी पड़ी थी, अभी वो क्रीम शायद मेरे पास पड़ी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। सही बात है, एक कुल्हाड़ी से जंगल थोड़ी साफ कर पाओगे। तो वो चीज़ मेरी बहुत ज़बरदस्त वाली थी, ज़बरदस्त वाली थी, मतलब एक ख़त्म नहीं तो यहाँ 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 ये एरिया तो पूरा भर भरा रहता था हमेशा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यही इकट्ठा था। एक इन्होंने यहाँ पे अपने कॉलेज टाइम में एक फोड़ लिया था पिंपल, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन गया अभी। तो आपको इंटरनल पहले उसको करना होगा, मैंने उसके लिए साफ़ी भी मैंने पिया है उसको, लेकिन उससे नहीं रिलीफ मिला था मुझे। तो मैंने हेमपुष्पा पिया था और मेरी प्रॉब्लम्स थी, तो और प्रॉब्लम्स तो ठीक होएगी, साथ में मेरी ये प्रॉब्लम भी, एक्ने वाली प्रॉब्लम भी उससे ठीक हो गई थी। तो लेकिन अभी भी हल्का फुल्का एक दो एक आता रहता है, अभी भी है ना एक यहाँ आया हुआ है मेरे, अभी ठीक हो गया, परसों आया था, मैंने दो दिन रात में यूज़ किया, तो आज मेरा बिल्कुल नहीं आया, स्वेलिंग थी मेरी अच्छी खासी, ये हल्का सा है, अभी भी लिपस्टिक के नीचे दब गया है, हल्का सा है। तो इससे सही हो जाता है, मतलब रातों रात ये ठीक कर देता है अपने आप ही बैड, वो जो पिंपल है ना, वो जो कहते हैं ना कि वाइट पस वाला निकलने से पहले ही वो उसको दबा देता है, इतना रिलैक्स इससे मिलता है मेरे को। और एक ना एक ऑयली स्किन है, गर्मियां हैं, बारिश का सीज़न है, बारिश सीज़न में तो आप ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेवन होता, वो हेल होता है, हेवन तो नहीं है, हेल होता है एक तरह से, कि भाई आपकी स्किन है ना, आपको सोप यूज़ कर नहीं सकते, आप सोप करने से और ज़्यादा ड्राइनेस और ज़्यादा रहती है, मानसून का सीज़न जो रहता है हर समय अंदर चिपचिपाहट बनी रहती है, तो इससे ये सबसे इफेक्टिव रहता है उस चीज़ के लिए। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो साबुन ही लगाता हूँ, और आप शायद देख रहे होंगे इनके एक्सप्रेशन ऐसे थे अभी वीडियो में कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन हाँ, इफ़ेक्ट करता है आपकी, अगर स्किन की प्रॉब्लम है, कुछ भी रैशेस हो जाते हैं या हल्के फुल्के दाने निकल आते हैं, इसके दाने निकल आते हैं यहाँ पे, मतलब निकल आते हैं और स्पेक्स पर फिर वो हर्ट करते हैं मुझे, तो वो इससे ठीक हो जाता है। हम दोनों स्पेशली रेगुलर यूज़ करते हैं। आपने अभी साफ़ी की बात कही थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ साफ़ी का। मतलब कॉलेज टाइम पर जो है ना, मेरे भी ये दोनों तरफ जैसे बच्चों के हो जाते हैं ऐसे पूरा भर के, ऐसे पूरे मोटे मोटे गांठ हो गए थे। तो बेटे के दादू लेके आए थे साफ़ी, दो बोतल पी एकदम, उसके बाद आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। ये रहता है ना कि एक मेल और फीमेल की बॉडी में डिफरेंस रहता है,
फीमेल की बॉडी पूरी हार्मोनल बेसिस रहती है टिल द एंड ऑफ लाइफ, तो उसकी वजह से है ना इनका प्रॉब्लम था, तो वो एक एज फैक्टर था, उसमें आपका साफ़ी से काम चल गया। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन है प्लस हार्मोनल डिसबैलेंस है फीमेल्स का, तो उनकी है ना आपने देखा होगा 45 प्लस भी जो लेडीज़ होती हैं उनके भी पूरे भरे रहते हैं, अच्छे खासे भरे रहते हैं। अभी एक मेरी मामी हैं, उनकी दो तीन बच्चे हैं, दो बेटियों की शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, और उनके अभी भी फेस पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। तो वही हाल मेरे पास मेरे साथ में भी था, मेरे साथ में और भी प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी वजह से चीज़ दवाइयाँ भी खाई हैं मैंने, काफ़ी कुछ चीज़ लिया है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए और पूरे फेस पे कुछ ना कुछ कुछ। और देखो अभी अभी ऐसा फेस लग रहा होगा आपको जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा कर आई है अभी। लेकिन मैंने सिर्फ वॉश किया है, इसी से वॉश किया, खाली मैंने इसी से वॉश किया है। ऑयली स्किन है, मैं कुछ नहीं लगा सकती अपनी ऑयली स्किन पे, क्योंकि अगर ऑयली स्किन है और कुछ लगा लिया तो आपको है ना विद इन अ डे आपके यहाँ पिंपल निकल के आ जाएगा, मेरी इतनी सेंसिटिव है। तो इसकी वजह से नॉर्मल जैसे निकलता रहता है गर्मी की वजह से, आपके वेदर चेंज की वजह से निकलते रहते, एक ना एक निकलता रहता है, लेकिन वो बड़ा होने से पहले, पकने से पहले, निशान बनाने से पहले ही वो इससे हीलअप हो जाता है। तो मेरा मेन पर्पज़ ये है कि हिमालय फेस वॉश की जगह पे, नीम फेस वॉश की जगह पे, नीम सोप की जगह पे आप इसको यूज़ करें, जिससे कि आपकी ना ड्राइनेस होगी और आपका जो पिंपल वाली प्रॉब्लम है उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो मेन पर्पज़ ये है हमारा। इवन आप, और सेकंड पर्पज़ ये है कि केवल फीमेल्स ही नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे से बड़े से लेके बच्चे तक कोई भी यूज़ कर सकता है इसको भी, ये भी डेली रेगुलर बेस पर यूज़ करता है। हिमालय नीम फेस वो बिल्कुल यूज मत करना, अच्छा उससे अच्छा है, क्योंकि वो यूज करना शुरू कर दे तो आपके घर में पिमिक स्टोन आना बंद हो जाएगा, अपने फेस से अपने हाथ को रगड़ लो काम चल जाएगा पिमिक स्टोन का, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इवन टीनेज में आपकी थोड़ी एज होती है उस एज में भी आपके है ना पिम्पल्स निकलते हैं, तो हर एज ग्रुप में मतलब वो काम नहीं करता है, वो मैंने सारा अप्लाई करके देख चुकी हूँ। अभी से नहीं, मैं जब छोटी थी, छोटी इन द सेंस जब मेरा टीनेज शुरू हुआ तब से लेकर के और अभी तक मैंने ना यूज़ किया है, काफ़ी सारे फेस वॉश यूज़ किए हैं, स्पेशली नीम फेस वॉश ऐड आता है उसी से हम ऐड को देख के इंस्पायर होते हैं लेके आते हैं, तो किसी ने काम नहीं किया है, इसने काम किया है और मेरी हेम पुष्पा ने काम किया है, दोनों ने काम किया है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इस समय पर। इतने लाइफ का एक्सपीरियंस जितना भी है मेरा, अगर मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ मेरी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस अबाउट एक्ने और पिंपल प्रॉब्लम, तो मेरे पास केवल दो निचोड़ हैं, एक तो एलोवेरा ये जेल आपका और दूसरा पतंजलि का एलोवेरा जेल और दूसरा हेम पुष्पा, इस दो ने बस काम किया है, अदरवाइज किसी ने काम नहीं किया। मुल्तानी नहीं मिट्टी फेस वॉश फेस पैक बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कुछ किया है, किसी ने काम नहीं किया। तो बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जगह और हेम पुष्पा की जय, फुली जय भी नहीं, एक बार वो एक नीम पतंजलि का भी एक नीम वाला सोप लेकर आ गए थे, उसकी भी स्मेल वैसी थी, वो भी लगा लिया तो भी मेरा होगा हाल खराब हो। इसका भी था, इसका भी प्रॉब्लम था, नहीं किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया, किसी ने रिलीफ नहीं दिया, और टेम्परेली दिया, परमानेंट किसी ने नहीं दिया। मैं पिछले ना 1.5 साल से हेम पुष्पा यूज़ कर रही थी और पिछले 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसने भी वो जो हाई जो पिगमेंटेशन होता है ना उसमें हेल्प नहीं करेगा, नॉर्मल पिगमेंटेशन में यूज़ करता है, आपके से एक दो आते रहते हैं उसको वहीं की भी कर देता है, क्योंकि वो इंटरनल जितनी ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको इंटरनल अपनी प्रॉब्लम ठीक करनी होगी और उसके बाद में फिर आपकी जो नॉर्मल थोड़ी बहुत रहती है तो फिर वो उसके लिए काम करता है, आपके बालों के लिए भी काम करता है। आप अगर कंडीशनर की जगह पर अगर इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने हेयर वॉश कर लिया है और बाद में इसको लगा करके और 1 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद वॉश ऑफ कर लीजिए, तो उसमें ही काम करता है, बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं दोनों में यूज़ करके दिखा, इनको तो रेगुलर यूज़ करवाती हूँ, जब भी मैं कुछ लगाती हूँ इनके लगाती हूँ, लगाया है इसको डाल के लगाया है मैंने। अच्छा हाँ, तो डैड को कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, डैड वो एक क्या कहेंगे कि वो चिंपैंजी होता है, खुद कुछ पता नहीं होता उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब ये चीजें तुम्हारे उसमें मिनिस्ट्री में आती है तो मैं अपना क्यों दिमाग उसमें खट्टी करूं। तो काम करता है ओवरऑल दोस्तों, आप स्पेशली अपने फेस वॉश के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं,
और इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्किन की कोई भी रैशेज हो गए या फिर आपके कुछ है ना कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, फेस के रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें ये हेल्प करता है। और पिछले मतलब रेगुलर बेस कंटिन्यूस बेस में करीब 2 से 3 साल हो गए मुझे रेगुलर बेस पे यूज़ कर रही हूँ इसको मैं नॉन स्टॉप। जैसे कि आप देख सकते हो कि भैया एक मेरा ख़त्म होने को आ रहा है, एडवांस में मेरा रखा हुआ है, तो मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। आपका एक जो वॉलनट वाला स्क्रब है वो वंस इन अ वीक वॉलनट स्क्रब यूज़ करती हूँ। प्लस इसको रात को, तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट कर लेना है दिन में भले ही ना ले, रात में ज़रूर हर मतलब हर हाल में रात में इसको फेस वॉश करके सोइए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि रात में आपके जितने भी कहते हैं ना कि स्किन की जितनी भी टूट फूट होती रहती है, जितनी भी डेली पूरे दिन की जो गंदगी है, जो भी आपकी है ना स्किन के नीचे भी आपकी काफ़ी सारी टूट फूट होती है, उसको हील करने में रात में रिपेयरिंग सिस्टम चलता है। तो आप इसको रात में फेस वॉश करके सोइए और आपको सुबह काफ़ी फ्रेश फील होगा, फेस भी आपको है ना अच्छा फील होगा, स्किन भी आपकी ग्लो करेगी और इसको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर हमारे वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो इसलिए आप लाइक करेंगे ही करेंगे। और इसको यूज़ करके कमेंट जरूर करना कि वाकई में आपको काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, फिर एक दूसरे की शेयर करने से एक्सपीरियंस शेयर करने से हो सकता है कि तरीके में डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से रिजल्ट 19-20 इधर हो जाते हैं। तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे तो चीज़ें हमें अच्छी रिजल्ट देंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से आपको काम किया है या नहीं किया है, या बेस्ट वे में हम कैसे और अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन हो सकता है कि मैं इसको यूज़ करने तरीका जो यूज़ करने का उसमें कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो आपका जो एक्सपीरियंस हो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी उस चीज़ में बेस्ट रिजल्ट लेने में हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ इसको यूज़ करना और कमेंट करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, वॉचर बढ़ा दो यार हम आगे, थोड़ा सा ये ना कि मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से। और हम अपने रेगुलर जो पर्सनल बेस एक्सपीरियंस है आपको उससे आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया सबको होता है, लेकिन कभी कभार क्लिक करने की देरी होती है कि अरे हाँ मुझे पता था लेकिन ये तो मैंने किया ही नहीं, कभी कभी ये भी हो जाता है ना, तो फिर उस चीज़ में भी हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा दे तो प्लीज़ शेयर करना। तो मिलते हैं फिर एक और नए प्रोडक्ट के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ, एक और नई चीज़ के साथ। Until then, sayonara. See you and thank you so much. Sayonara.